jungle out there. Keep your head on tight. Unknown brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked. Hello guys and welcome back to Team Garden Life. So ye hai new brand and yours. Aur chaliye karte hain iska detailed background review with all the specs and all the features. इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि कैसे स्पेस एंड कंफर्ट बाइकल आपको दे रही है। तो अभी के अभी टीम कैंडिडेट को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सो गाइस, ग्रैंड राइडर नियोस ऑफर करी जा रही है एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स डुअल टोन एंड एस्टा मॉडल में। अभी आप देख रहे हैं टॉप स्पेक एस्टा मॉडल की फ्रंट लुक। एंड यहाँ पे 3 वारंटी पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जो कि आप अपने यूसेज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर, 4 ईयर 50,000 किलोमीटर और 5 ईयर 40,000 किलोमीटर्स। सो गाइज, यहाँ पे फ्रंट लुक आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड स्टनिंग मिलती है। एंड दीज आर सुपर स्टाइलिश प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, यानी कि फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन। और यहाँ पे ट्रायंगुलर डिजाइन आपको फॉग लैम्प हाउसिंग मिलती है, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिए गए हैं विच विल प्रोवाइड एक्सीलेंट विजिबिलिटी। और यहाँ पे आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है, बूमरैंग शेप, कैस्केड डिजाइन, बहुत ही शार्प ग्रिल दी गई है विद हाइपर सिल्वर एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। एंड गाइज, यहाँ पे हुंडई ग्रैंड एटेन नियोस में आपको मिलता है सुपर बॉडी स्ट्रक्चर एंड बहुत ही रिजिड व्हीकल है ये। यहाँ पे 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करा गया है। एंड हुंडई ने नियोस में हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करी है टू गिव लो NVH लेवल एंड हाई कैबिन इंसुलेशन। साथ में डायमेंशन 20 हैचबैक की आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये कॉम्पीट करती है फीगो, स्विफ्ट एंड टियागो के साथ। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बिग साइज के 15 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं जो कि सुपर स्ट्राइकिंग लुक दे रहे हैं। और ये है 175/60 प्रोफाइल टायर्स। साथ में ORVM पे मिलेंगे टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे रूफ रिल्स मिल जाती है, वेरी स्लीक साइज, शार्क फिन एंटेना भी अवेलेबल है। एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर करी जा रही है। फ्रंट में मैक पियर्सन स्टड, रियर में मिलेगा कपल टॉर्ज इन बीम एक्सल विद गैस टाइप शॉक एब्जॉर्बर। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगी 165 mm एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 liters। एंड गाइज, आप ग्रैंड एटेन को किसी भी एंगल से देखेंगे तो इट इज एक्सट्रीमली स्पोर्टी एंड हैंडसम लुकिंग हैचबैक। और साथ में यहाँ पे रियर बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं, रियर में 2 सेंसर्स भी मिलते हैं। और यहाँ पे ब्लैक एंड फिनिश दी गई है, डुअल टोन बम्पर आपको मिलेगा। और ये है रियर क्रोम गार्निश, साथ में नियोस की बैजिंग एंड प्री फेसलिफ्ट I20 जैसी आपको सेंटर में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, एस्टा की बैजिंग और यहाँ पे ग्रैंड एटेन की बैजिंग गाइस। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर भी अवेलेबल है। और जो ये टेल लैम्प मिलते हैं, ये समवट आपको सिमिलर लगेंगे टाटा टियागो से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिए गए हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग, साथ में क्रैब हैंडल। और दोस्तों, ये है 260 यानी कि 260 लीटर्स ऑफ कार्गो एरिया। और यहाँ पे लगेज लैम्प एंड ग्रॉसरी हुक, राइट साइड आपको ग्रॉसरी हुक नहीं मिलेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे अब सेकेंड रोड डाउन करते हैं, तो सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बेंच फोल्डिंग सीट्स अवेलेबल हैं। एंड अब इसको पार्शियल ट्री को भी रिमूव कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे कुछ इतना मैसिव बूट स्पेस आपको मिल जाएगा टोटल। एंड ये है स्पेयर टायर, 14 इंचेस का आपको मिलता है 165/70। और ये स्टील व्हील दिया गया है यहाँ पे, अलॉय आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो वेरी स्पोर्टी ग्लॉसी ब्लैक सी पिलर अवेलेबल है विद G10 बैजिंग। सो गाइज, ग्रैंड एटेन नियोस में सुपर अट्रैक्टिव 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो है पोलर वाइट, अल्फा ब्लू, टाइफून सिल्वर, एक्वा टील, फायरी रेड एंड टाइटन ग्रे कलर। यहाँ पे आपको 2 डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसके साथ आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स भी मिलेंगे, लेकिन वो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ डुअल टोन मॉडल्स में। एंड अब दोस्तों, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो स्टैंड सेफ्टी फीचर मिलते हैं इन ऑल द वेरियंट्स, वो है डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रिटेंशनर एंड लोड लिमिटर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम,
लो फ्यूल वार्निंग एंड डोर एंड टेलगेट अजार वार्निंग। अगर बात करें स्टॉप एंड मॉडल के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलती है सेंट्रल लॉकिंग, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर। सो गाइज यहाँ पे अबंडेंस अमाउंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। एंड अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे सेम कॉन्टिन्यूड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन पेट्रोल आपको मिलेगा BS6 कंप्लायंट, बट जो डीजल है वो BS4 कंप्लायंट ही दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक भी आप इंट्रोड्यूस करा गया है। सो गाइज द फर्स्ट इंजन इज 1.2 लीटर फोर सिलेंडर कापर पेट्रोल इंजन, ये जनरेट करता है 82 BHP ऑफ पावर एंड 114 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 5-speed मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स अवेलेबल है, जिसकी माइलेज है 20.7 kmpl फॉर मैनुअल एंड 20.5 kmpl फॉर ऑटोमेटिक। और सेकेंड आता है 1.2 लीटर U2CRDI 3-cylinder डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 74 BHP ऑफ पावर एंड 190 Nm ऑफ टॉर्क। ये भी अवेलेबल है 5-speed मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स के साथ, जिसकी माइलेज है 26.2 kmpl फॉर बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। और दोस्तों मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन की लिस्ट भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब चलते हैं इंटीरियर्स में, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑन रोड प्राइस। और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड ही दोस्तों आपको मिलेगा। एंड ये है हुंडई की स्मार्ट कीज, दो स्मार्ट कीज आपको मिल जाती है विद इंजन पुश स्टार्ट बटन। सो गाइज यहाँ पे एक्सेप्शनली प्रीमियम एंड अप मार्केट कैबिन अवेलेबल है विद ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स एंड हाइपर सिल्वर इंसर्ट्स। और यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश आपको एसी वेंट्स का डिजाइन मिलेगा और फिट एंड फिनिश क्वालिटी क्लास अबव दी गई है। एंड ओवरऑल आप कैबिन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अबव सेगमेंट व्हीकल का कैबिन है। और फ्रंट सीट्स में अभी भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगी और यहाँ पे डुअल टोन फैब्रिक प्लस लेदर सीट अपॉल्स्ट्री दी गई है, विच इज लुकिंग वेरी नाइस। सो गाइस यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स मिलते हैं ये पहले से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बैक सपोर्ट वगैरह जा रहा है एंड बैक सपोर्ट का काफी डिसेंट मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास लेगरूम भी मैंने रखा हुआ है। आप चलते हैं रियर सीट्स पे, बात करते हैं रियर सीट्स कम्फर्ट। सो गाइस बात करें रियर सीट्स कम्फर्ट की, तो यहाँ पे एक्सीलेंट रिक्लाइनिंग एंगल दिया गया, सीट बहुत बढ़िया तरीके से रिक्लाइन है, कम्फर्ट बहुत बढ़िया ऑफर कर रही है। इसी के साथ यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट रखना चाहते हैं, यहाँ पे बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट दिया गया, सीट्स बहुत ही कुशन है रियर वाली। एंड मेरी 5-11 आप देख सकते हैं, लेगरूम भी अवेलेबल है और यहाँ पे हेडरूम भी कोई नहीं मिलेगी। अगर आप 6'3" यानी 6'3" के भी हैं तो भी आप रियर सीट्स में आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी अवेलेबल है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप एक हैचबैक में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतना बढ़िया कंफर्ट आपको मिलने वाला है। एंड ड्राइवर साइड सीट की हम यहाँ से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये है फ्यूल लिड। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे मिलेगा क्लच फुटरेस्ट। साथ में ये है हेडलैम्प लेवलर एंड ओवरऑल यहाँ पे ब्लू कलर की आपको बैकलिट इल्यूमिनेशन मिलती है, विच फील्स वेरी प्लेजेंट। एंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजाइन आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम का, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। और गाइज ये है डुअल टोन फ्रंट डोर की लुक एंड यहाँ पे हाइपर सिल्वर कलर इनसाइड डोर हैंडल दिए गए हैं, साथ में डोर माउंटेड आर्मरेस्ट। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज मिलती है विद ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो डाउन ओनली, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल विंग मिरर्स दिए गए हैं। एंड गाइज दीज आर स्पीकर, साथ में बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट अवेलेबल है। एंड अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे सेंटर में काफी सारे स्टोरेज एरियाज एंड 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं, ये है लेदर रैप गियर नॉब। सो अब स्लॉट करते हैं रिवर्स गियर। तो दोस्तों कुछ ऐसा आपको यहाँ पे सेंसर्स का डिस्प्ले मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और ये है कैमरे का डिस्प्ले। सो यहाँ पे गाइज वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल है, तो हम अपना स्मार्टफोन ऐसे प्लेस करेंगे सो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट चार्जिंग। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एम्पीयर का ये USB फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि वायरलेस चार्जिंग के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तभी वायरलेस चार्जिंग ऑन होगी, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे USB पोर्ट एंड USB चार्जर दिया गया है। एंड ये है ऑटोमेटिक AC विद इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक फ्रेश एनवायरनमेंट मेंटेन करेगा इनसाइड द कैबिन। और दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही सॉफ्टश प्लास्टिक मटेरियल यूज करा गया है एंड इट फील्स वेरी नाइस टू टच एंड होल्ड, अटेंशन टू डिटेल एक्सीलेंट दी गई है। और ये है डैशबोर्ड स्टोरेज, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस ये ऑफर करता है
और गाइस ये है बिग साइज ग्लव बॉक्स विद कूलिंग ऑप्शन एंड दोस्तों यहाँ पे 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले आपको मिलता है और साथ में ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव भी है और ये सपोर्ट करता है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, साथ में USB, ब्लूटूथ एंड रेडियो। हुंडई की iBlue ऐप से आप इस सिस्टम को भी पेयर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको आर्कमीज़ के प्रीमियम साउंड मिल जाती है, 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, DRVM ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिलता है तो आप ड्राइविंग के टाइम रिवर्स पार्किंग कैमरा के थ्रू रियर व्यू भी देख सकते हैं तो बार बार आपको रियर व्यू मिरर पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नेविगेशन आप एप्पल कार प्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू यूज़ कर सकते हैं एंड ओवरऑल सिस्टम इज़ वेरी नाइस। ये है सन वाइजर विद वैनिटी मिरर, यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM दिया गया है, साथ में ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे आपको टॉल रिसीट होल्डर मिलेगा और दोस्तों ये है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जो कि हुंडई वेन्यू से बोरो करा गया है। लेफ्ट साइड यहाँ पे ऑडियो एंड ब्लूटूथ टेलीफोनिक कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कंट्रोल भी मिलेंगे और ये है वाइपर के कंट्रोल्स, साथ में हेडलैम्प के कंट्रोल्स एंड दोस्तों स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है। सो गाइज ये है सुपर स्टनिंग सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5.3 इंचेस की यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी, ये शो करता है आउटसाइड टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, साथ में डुअल ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू MT, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड और ये इंजन रनिंग टाइम, साथ में कोई डोर या टेलगेट ओपन होगा तो उसकी भी आपको यहाँ पे वार्निंग मिल जाएगी एंड सर्विस रिमाइंडर भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब चेक करते हैं रियर सीट्स, ऑल्सो ग्रैंड एटेन नियोस का ऑन रोड प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गाइज ये है वेरी प्रीमियम डुअल टोन डोर की लुक, यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स अवेलेबल हैं, साथ में यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट भी दिए गए हैं और ये है रियर सीट्स की लुक। एंड ये है रियर एसी वेंट्स, इसी के साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा एंड गाइज एसी ब्रिलियंटली वर्क करते हैं, दे आर सुपर एफिशिएंट। यहाँ पे एक पॉकेट मिलेगी, साथ में ग्रैब हैंडल, सेंटर में कैबिन लैंप मिलता है विथ हीटेड डिमिंग फंक्शन और यहाँ पे भी एक ग्रैब हैंडल अवेलेबल है। एंड दोस्तों ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, ग्रैंड एटेन नियोस के जितने भी वेरियंट्स हैं उनका रिव्यू बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आने वाला है तो मेक श्योर आप टीम का डिलाइट को अभी कभी सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।